नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। प्रदेश में लगातार बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है, जिससे अभी तक कई लोगों की प्रदेश भर में मौतें हो चुकी हैं। ताजा मामला राजधानी से सामने आ रहा है। जानलेवा बुखार, जिसके लक्षण डेंगू जैसे ही है, उससे महिला की मौत भी हो चुकी है। देखा जाए तो इलाके में कई लोग इस तरह के बुखार से पीड़ित हैं, जो कई दिन पहले चढ़ता है और धीरे धीरे शरीर को इस कदर जकड़ लेता है कि इससे जान बचा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। जहां बुखार से लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। यूपी के रायबरेली में कोरोना के डॉक्टर मरीजों की पुष्टि होने के बाद आसपास के क्षेत्रों में फिर से डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जानलेवा बुखार तो दूसरी तरफ कोरोना का वार। आपको बता दें, लोगों के जहन को डराने लगा है या डर लोगों को सताने लगा है। आखिर कब तक लोग इस तरह डर के साए में रहेंगे और कैसे वो अपना बचाव करेंगे, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो अस्पताल हैं वो मरीजों से भरे पड़े हुए हैं, और ऐसे में कई बार अव्यवस्थाओं की तस्वीर भी सामने आ जाती है, बदहाली की तस्वीर भी सामने आ जाती है। वो भी तब जब स्वास्थ्य महकमा चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं के होने का दावा करता है। लगातार डिप्टी सीएम निरीक्षण करते हैं, जायजा लेते हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हिदायत भी देते हैं। इसके बावजूद भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करती हैं। और यही वजह है कि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर कब ये व्यवस्थाएं जो हैं वो व्यवस्थित होंगी। बदहाली की तस्वीर सामने आती है। कई बार मरीज घंटों इंतजार करता रहता है, समय रहते इलाज नहीं मिल पाता। अगर देखा जाए, चेकअप अगर लिखा जाता है डॉक्टर की तरफ से, तो कई बार समय रहते चेकअप नहीं हो पाता है। और ऐसे में मेडिसिन, जिला अस्पतालों का तो हाल और भी बदतर नजर आता है। कैसे अलर्ट रहें, कैसे सावधानी बरतें, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे। साथ ही हाल जानेंगे लखनऊ और रायबरेली का, जहां से हमारे संवाददाता भी जुड़े होंगे, क्योंकि रायबरेली और लखनऊ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर जो बुखार और फीवर के सिम्टम्स हैं वो कुछ इस तरीके के लक्षण पाए गए हैं कि जैसे डेंगू के लक्षण और सिम्टम्स होते हैं, वैसी ही सिमिलैरिटी इस बुखार में भी नज़र आ रही हैं। और इसीलिए लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कई बार जब चेकअप कराया जाता है, जांच कराई जाती है, तो उसमें डेंगू की पुष्टि नहीं होती है, एक नॉर्मल बुखार की पुष्टि होती है, लेकिन बावजूद उसके बिल्कुल जो लक्षण हैं वो डेंगू जैसे ही नज़र आ रहे हैं। और सबसे अहम बात कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के कई मरीजों की पुष्टि की गई है और ये बुखार जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि इस बुखार के चलते कई मरीजों की जान जा चुकी है। और आपको बता दें कि अब कोरोना का भी डर लोगों के जहन में बैठ गया है। लोगों को डर सताने लगा है इस बात का कि कोरोना एक बार फिर से हमारे बीच दस्तक दे चुका है। जाहिर सी बात है, कोरोना काल का जो समय है वो लोग कोरोना शब्द से ही डर जाते हैं और जो सिम्टम्स हैं लगभग वैसे ही नजर आते हैं, तो और डर ज्यादा सताने लगता है लोगों को। और साथ ही व्यवस्थाओं, अस्पताल प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके साथ साथ हमारे साथ लखनऊ रायबरेली का रुख कर लेते हैं, हाल जान लेते हैं। भरत सेठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं संवाददाता, मनीष अवस्थी रायबरेली से जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं लखनऊ का, राजधानी का, भरत सेठी का। अगर लखनऊ की बात की जाए भरत, तो लखनऊ में क्या कुछ हालात नज़र आ रहे हैं? लगभग जिस तरीके से बुखार के सिम्टम्स जो निकल कर सामने आए हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई महिलाओं की मौत हो चुकी है, स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो कितना तैयार नज़र आ रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जिस तरीके से पहले लगातार डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा था, उसके बाद लखनऊ के तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर रहस्यमय बुखार चल रहा है। लखनऊ के ग्रामीण इलाके मोहनलालगंज के अंतर्गत आते हैं, सोसाइटी, वहां पर तमाम जो लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग बीमार थे। जो जानकारी पहले अपडेट हुई थी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंची, लेकिन अभी एक महिला की
मौत हो गई। 45 वर्षीय महिला खुद उसी मौत हुई है और वो बुखार से मौत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि डेंगू की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन डेंगू जैसे लक्षण है जिस तरीके से प्लेटलेट डाउन होना, तेज बुखार आना, शरीर दर्द होना, वही सब लक्षण थे महिला के। तब उस महिला का जांच हुई तो फिलहाल अभी उनकी डेथ हुई है। 10 दिन पहले तेज बुखार आया था, तेज बुखार के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी जो प्लेटलेट थी 16,000 तक रह गई। पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, मैं नॉर्मल दवाई करी, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुई, फिर लगातार उनका जो प्लेटलेट है वो गिरना स्टार्ट हो गया, लेकिन आंकड़ों में कहीं पे डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। इसीलिए तो रहस्यमय बुखार कह रहे हैं, रहस्यमय बुखार है। और डेंगू की बात करें तो लगातार डेंगू का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। पहले ग्राफ 30 के अंदर पहुंच गया था, लेकिन अचानक ग्राफ से फिर उछाल देखने को मिली। 24 घंटे के अंदर अगर बात करें, डेंगू के 36 मामले राजधानी से आए हैं। वो राजधानी के कुछ ऐसे वीवीआईपी इलाके भी हैं जहां पे डेंगू लगातार अपने पैर को पसार रहा है और कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही बिल्कुल सामने उजागर हो रही है। बिल्कुल भरत, देखा जाए वाकई बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ना किसी भी तरीके का कोई छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक बार रुक कर लेते हैं रायबरेली का, वहां का हाल जान लेते हैं। मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, रायबरेली का हाल क्या कुछ नजर आ रहा है? डेंगू का प्रकोप किस कदर यहां पर नजर आ रहा है? वायरल अगर फीवर का जिक्र करें तो क्या कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं? अनम्यूट करिएगा जी। मनीष सुन पा रहे हैं? मनीष मनीष अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं? बात करें अगर मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? इजाफा भी बढ़ता जा रहा था, जैसा कि हमारे साथी भरतार डेंगू का प्रकोप है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो उस तरह से अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली में जो भी सीएससी हो, चाहे पीएससी हो, सीएससी पर भी लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती नजर। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे मनीष। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू, नेटवर्क इशू होने के चलते आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओपीडी हुआ करती थी, आज बढ़कर वो जी। मनीष वापस से आपका संपर्क करेंगे। भरत सेठी का रुख कर लेते हैं। भरत, अगर देखा जाए स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से कोई ये निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि ये डेंगू जैसे ही लक्षण नजर आ रहे हैं और ये एक नॉर्मल फीवर है और इसके चलते लोगों की मौत हो जा रही है, स्वास्थ्य महकमे का क्या कुछ कहना है, डॉक्टर्स का क्या मानना है, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आई? वहाँ पे जैसे ही जानकारी हुई कि महिला की मौत हो गई है, ये वायरस बुखार से हुई है, ये रहस्यमय बुखार, उसके बाद तमाम जो टीम्स है वो गांव में भेजी गई मेडिकल टीम के साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये डॉक्टर्स कह रहे हैं जो कि जांच का विषय है, आखिर ये क्या दिक्कत है, क्यों डेथ हुई है, क्या कोई और बीमारी से ग्रसित महिला तो नहीं थी? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सैंडी है मोहल्ला जैसे तमाम एरिया जहाँ पर आज से नहीं करीबन एक महीने के आसपास से रहस्यमय बुखार है और कई लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा 2 से 3 हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पर पहुंचता है, दवाइयों का वितरण करता है, उसके बाद अक्सर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट जो आ रहा है वो महिला की मौत, तमाम जो लगातार बीमार जो हो रहे हैं वो रिजल्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं फेलवर है कि ऐसे जो मामले हैं, जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर शायद स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो जाता, ग्रामीण क्षेत्र जाते प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता, वहां पे एक बूथ बनाता कि यहाँ पे कोई भी अगर मतलब कोई हॉस्पिटल पे पेशेंट जाता है वहां पर बेड फुल रहते हैं, कई समस्याएं होती है, तमाम चीजें हैं। अगर स्वास्थ्य महकमा थोड़ा सा बेहतर सुविधा प्रदान करे तो ऐसी जो दिक्कतें हैं शायद वो सामने नहीं आएंगी और लोगों को जो बिल्कुल बड़ी बात है। रहस्यमय बुखार इसको कह रहे हैं, लेकिन ये डेंगू से मिलते जुलते लक्षण है। क्या डेंगू के आंकड़ों को छुपाना रहस्यमय बुखार बताना तो नहीं है कि डेंगू से मौत नहीं, ये रहस्यमय बुखार है, तमाम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन असल वजह क्या है इसका जांच हो प्रॉपर, इसका प्रॉपर इसको देखा जाएगी क्या वजह है, लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं और लोगों की प्लेटलेट्स डाउन कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास सारे तमाम
ट्रीटमेंट होते हैं, समझ जांच होती है कि आखिरकार ये जांच में क्या निकल के आया है, बिल्कुल भरत, ये वाकई एक सोचने वाली बात भी है और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से एडवाइजरी भी होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करने का भी प्रयास करना चाहिए और साथ ही लगातार देखा जाए स्वास्थ्य महकमे की कार्यशैली को लेकर भी सवालिया निशान खड़ा होता है, सवाल खड़े किए जाते हैं कि पूरी तरीके से जिम्मेदाराना रवैया नजर नहीं आता है, वो भी तब जब स्वास्थ्य मंत्री भी गंभीर नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, बावजूद इसके लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं। जैसा कि लखनऊ की बात आपने बताई कि 23 डेंगू के मरीज हैं जो कि सामने आए, 100 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं और ये डेंगू जैसे ही सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, नॉर्मल जो फीवर के लक्षण हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट क्या है, डेंगू है या फिर एक नॉर्मल वायरल है, ये अभी पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ऐसा कुछ एडवाइजरी डॉक्टर स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई। एक बार रायबरेली का रुख कर लेते हैं, मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, आपका रुख करेंगे, रायबरेली की तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही है? मनीष जी, मनीष आपको आवाज मिल पा रही है? मनीष, रायबरेली की तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही है, क्या डेंगू के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है? स्वास्थ्य प्रबंधन की अगर व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो क्या चुस्त दुरुस्त यहां पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल सोनी, बात करें तो अगर जिस तरह से डेंगू का जो इजाफा बढ़ा रायबरेली में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग इस पर पहले से तैयारियां किए होता तो शायद जिस तरह इजाफा हुआ है उस तरह इजाफा नहीं होगा। यदि आज भी इतना डेंगू के मरीज हो जाने के बावजूद भी अभी स्वास्थ्य विभाग का वही ढीला ढाला रवैया नजर आ रहा है, ना ही कोई व्यवस्थाएं, डेंगू वार्ड बना दिए गए हैं लेकिन जो व्यवस्थाएं डेंगू मरीजों को देनी चाहिए वो डेंगू मरीजों को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला झाड़ने में जरूर पीछे हो रहा है, जिससे कि उसे सारी जो व्यवस्थाएं हैं डेंगू के मरीजों के लिए, इससे जो मरीज है वहां का वो सरकारी में ना जाके अब प्राइवेट में जा रहा है, जहां पर झोला छाप बैठे डॉक्टरों पूरे तरीके से मरीजों को निचोड़ने का भी काम कर रहे हैं और वहां पर उनकी पूरी तरीके से जांच और जहां पर मरीजों को अपनी जेबीटी भी करनी पड़ रही है। अगर आज की बात करें तो अभी हाल ही में आज भी डेंगू के साथ साथ दो कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं, जिसमें एक आशा बहु है और एक साथ ही साथ बात करें तो झाम सिंह का पुरवा पड़ता है, वहां के एक भूपेंद्र सिंह है, उनको भी बुखार आ रहा था लगातार कई दिनों से, वो गए जांच कराने के लिए। जांच कराने के बाद जब उनकी एंटीजन जांच की गई तो निगेटिव निकला, लेकिन उसके बाद जब आरटीपीसीआर की जांच की गई तो पॉजिटिव पाए गए। तो लगातार और भूपेंद्र सिंह जो दो लोग कोरोना मरीज निकले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक फिर आने वाले समय में एक कोरोना को दावत देने का काम जरूर होगा, जिससे पूरे स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल जिस तरीके से वे ये वायरल सिम्टम्स सामने आ रहे हैं और मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि कोरोना और साथ ही कोरोना का डर भी मरीजों के जहन में, जाहिर सी बात है कई ऐसी जांचें जहां पर पुष्टि हुई है कि कोरोना के भी सिम्टम्स पाए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर बबीता केंची हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सुरेश कुमार हैं चिकित्सा अधिकारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर सुरेश कुमार जी का रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, अगर देखा जाए लगातार ऐसा वायरल सामने आ रहा है, ऐसा फीवर सामने आ रहा है जो ये पुख्ता नहीं हो पा रहा है कि ये डेंगू के लक्षण हैं या नॉर्मल ये जो चेंजेस वेदर चेंजेस हैं इसकी वजह से ये सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, बचाव क्या है, क्या उपचार है, क्या करें मरीज ऐसे वक्त में? सुरेश जी, चलिए मुझे लग रहा है सुरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बबीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर बबीता जी आपका रुख कर लेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, डेंगू के मरीज और अब कोरोना का भी डर लोगों को सताने लगा है और डेंगू एक बड़े पैमाने में देखा जाए फैलता जा रहा है, इसको इससे कैसे क्या कुछ बचाव कर सकते हैं, क्या कुछ
जो एहतियात है वो बरती जा सकती है। और एक नया फीवर भी सामने आ रहा है जो पुख्ता नहीं हो पा रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये डेंगू के लक्षण है या फिर नॉर्मल फीवर है। अनम्यूट कर लीजिएगा जी। बबीता जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि डेंगू भी फैल रहा है और एक नया फीवर भी है जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी मौसम चेंज होता है जी हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब इम्यूनिटी कम होगी तो कोई भी वायरस वो अटैक करेगा, ठीक है ना। और लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि ये जो कोरोना वायरस है ये कभी नहीं खत्म होगा, ये था और है और हमेशा रहेगा, बस उसके नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। आपको करना क्या है कि आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छे से रखनी है जी। और ये इम्यूनिटी जो हमारी कमजोर होती है, हमारे जो आजकल जो जीवन शैली हो गई है, अब हमारा जो खान पान हो गया है, टाइम से नहीं खा रहे हैं या ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, उसके वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो रही है जो कि वायरस अटैक करते हैं। और दूसरा जो आपने ये डेंगू फीवर के बारे में बताया, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के द्वारा ही फैलता है ये भी, जो कि दिन में मच्छर के काटने से। और एहतियात बरतने, अगर जनता अगर ये एहतियात बरते, कुछ सावधानियां बरते, तो हो सकता है ये कंडीशन ना हो हॉस्पिटल में जाने की जी। अब जैसे कि आपने 2 साल देखा कि कोरोना काल में कुछ प्रिकॉशंस बताए गए थे, जैसे कि साफ सफाई अपना रखें, ठीक है, टाइम से खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाएं खाना, गिलोय का काढ़ा, गिलोय तो आपने शायद सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना की वजह से ये गिलोय, और जिसको नहीं भी पता था तो कोरोना काल में उसको पता चल गया कि हाँ ये कितना बेनिफिशियल है जी 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 जी। और दूसरा दूरी बनाए रखें और अपना आसपास, अपने घर के आसपास जो भी है, अपने मतलब वातावरण को स्वच्छ रखें, क्योंकि जितना हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें बीमारी से उतना ही दूर रहेंगे। और यही कारण है कि शायद आज का जो आज की जो जनता है वो कोरोना के टाइम पीरियड को भूल गई है। बिल्कुल है, प्रिकॉशंस लेना बेहद जरूरी है, साफ सफाई का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। और डेंगू के जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं इसको लेकर लगातार इस तरीके का अवेयरनेस भी जारी की जा रही है और लगातार ऐसे मुद्दों को के न्यूज उठाता है और के न्यूज भी ऐसे मुद्दों को उठाकर एक अवेयर करने का ही प्रयास करता है कि आम जनता अवेयर हो, अपने आसपास सफाई रखे और ऐसी बीमारियों से बचा जा सके। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेश कुमार जी, आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से लगातार डेंगू की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, तेज फीवर की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो ऐसे में क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है, बचा जा सके इन बीमारियों से, क्या कुछ उपाय होने चाहिए? सुरेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, मुझे लग रहा है सुरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी अगर आपको आवाज मिल पा रही है अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए सुरेश जी। जी जी नमस्कार जी, क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं? सबसे पहले तो हमें ये जो बीमारी है मच्छर काटने से हो रही है, आजकल जो बीमारी डेंगू भी हो रही है तो मच्छर काटने से हो रही है, तो सबसे पहले इन मच्छरों से बचाव का अपना रखना चाहिए। तो जैसे भी घर के आसपास है, जैसे टायर पड़े रहते हैं, गमले हैं, उसमें पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें, कहीं भी बर्तन पड़े रहते हैं, टूटे बर्तन पड़े रहते हैं, उसे जी आप इकट्ठा ना होने दें। और ये हफ्ते में एक दिन जरूर बना लें, देखना चारों तरफ कि हमारे कहीं घर के आसपास कहीं भी पानी ना इकट्ठा हो ना पाए। दूसरा, इसमें सबसे अच्छा से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें,
और जहां तक हो सके पूरे बदन में कपड़े ढका रहे, कपड़े ऐसे कपड़े पहने जैसे पूरा बदन ढका रहे और मच्छर हमें ना काट पाए, ये मुख्य सावधानी। बिल्कुल, हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं रायबरेली से। मनीष अवस्थी का रुख कर लेते हैं। सुरेश जी आपका रुख करेंगे, आपकी आवाज थोड़ी सा ब्रेक हो रही है नेटवर्क इश्यू होने के चलते मुझे लग रहा है। मनीष जी, मनीष का रुख कर लेते हैं रायबरेली का। मनीष, अगर देखा जाए जो डेंगू के मरीज हैं लगातार बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कुछ मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है, क्या इस तरीके का कुछ माहौल नजर आ रहा है मनीष? उन मरीजों की को सावधानी बरतने की जरूरत है। जो आप इस ऐसे कोई जो एमबीबीएस डॉक्टर जो सरकारी सीएससी में बैठे हैं, सरकारी तंजे में बैठे हैं, उनकी तुरंत इसमें सलाह लेनी चाहिए, उनका जो इलाज है वो करना चाहिए। लेकिन जो मरीज है वो कहीं ना कहीं भटक कर प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ रुख कर जा रहा है, तो उस कहीं ना कहीं जो मरीज के डेंगू के सिम्टम्स हैं वो लगातार बढ़ते हैं, तो उसको अगर सही से इलाज मिल पाए और सही से अगर उसको दिशा निर्देश मिल पाए तो डेंगू के मरीज है उस पर काबू पाया जरूर। बिल्कुल मनीष, देखा जाए अभी कल भी एक खबर सामने आई जहां पर जब अस्पताल प्रबंधन इतना बेपरवाह और लापरवाह हो चुका है, वो भी तब जब मॉनिटरिंग और निरीक्षण लगातार किए जाते हैं, जायजा लगातार लिया जाता है, नवजात शिशु को कुत्ते उठा कर ले जाते हैं, यहां तक कि उसे जान गंवानी पड़ती है, जब इस तरीके के हालात स्वास्थ्य प्रबंधन के नजर आते हैं और सीएमएस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसे में कि स्वास्थ्य प्रबंधन अपनी लापरवाही, बेपरवाही और मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उन्हें और व्यवस्थित करेगा ताकि समय रहते लोगों को इलाज मिल पाए? सॉरी, बात करें तो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से जिले में बैठे आला अधिकारी हैं उनको और ध्यान देना चाहिए, और जो भी चाहे वो सीएससी रहे हो चाहे पीएससी रहे, उन पर बैठे जो कर्मचारी हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए कि वो जो भी डॉक्टर्स बैठे हैं, जो भी अधीक्षक हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। और बिल्कुल, जब तक जिले में बैठा अधिकारी। मनीष, वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद वापस लौटेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर और क्या कुछ एहतियात बरती जा सकती है ताकि ऐसी बीमारियों से बचा जा सके। वक्त है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर और बढ़ रहे मरीजों को लेकर। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और अब कोरोना ने भी दस्तक दी है, इस तरीके के भी मरीज सामने आ रहे हैं और डर भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर बबीता जी जुड़ी हुई हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं। डॉक्टर बबीता जी आपका रुख करेंगे। एलोपैथ कहते हैं इंस्टेंट रिलीफ देने वाला होता है और इसीलिए लोगों को जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इंस्टेंट रिलीफ के लिए एलोपैथ का रुख कर लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए डेंगू के मरीजों में या किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए आयुर्वेद कितना कारगर है और किस कंडीशन में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद आपको बीमार होने से बचाता है, उन बीमारी की कंडीशन में ना पहुंचे, जो हेल्दी है स्वस्थ है उसको हम बनाए रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं आयुर्वेद के द्वारा। तो अब जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे घर के आसपास और किचन में काफी कुछ है जिनका यूज करके हम इस्तेमाल करके हम जो छोटी मोटी बीमारी है उनसे बचे रह सकते हैं। अब चूंकि आजकल फीवर है, अब ये भी नहीं पता चल पा रहा कि डेंगू है या वायरल फीवर है या कोरोना वायरस है, कौन सा है, लेकिन है इस समय फीवर है जो कि मौसम परिवर्तन की वजह से हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इसमें तुलसी आप घर में सभी के मिलती है, तुलसी मिल जाएगी आपको जो कि एक 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 बेस्ट एक एंटीवायरल का काम करता है। बिल्कुल, तो इसमें आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी का चाय रस 2 चम्मच के बराबर ले सकते हैं या फिर उसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। कोरोना काल में मैंने देखा बबीता जी, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काढ़ा बना बना कर पिया और ये तुलसी का सेवन किया, काढ़ा का इस्तेमाल किया, उसमें तुलसी का सेवन किया। हर श्रृंगार का पौधा होता है, आयुर्वेद के तौर पर उसकी पत्तियों का यूज किया गया, तो ये वाकई क्या कारगर होते हैं? देखिए,
देखिए, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, इनको इस्तेमाल करने से पहले, चाहे कोई भी घरेलू नुस्खा हो, उसका इस्तेमाल करने से पहले आप अपने नजदीक के जो डॉक्टर है या चिकित्सक है उनसे सलाह अवश्य लें, क्योंकि एक डोज निर्धारित होती है, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो चाहे घरेलू नुस्खा हो, एक डोज निर्धारित होती है कि व्यक्ति को कितनी मात्रा में उसे लेना है। अगर किसी भी कारणवश वो ज्यादा मात्रा में लेता है तो उसे फायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है। अब जैसे कि अभी आपने बताया आयुष काढ़ा लोगों ने काफी इस्तेमाल किया था कोरोना पीरियड में, तो काफी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए थे, तो ये चीज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या एक आपके जो चिकित्सक हैं जो नजदीक हैं वही एक सलाह आपको दे सकता है कि आपको कितनी मात्रा में कितनी बार वो लेना है, क्योंकि एक अमृत भी होता है ना, वो भी अगर ज्यादा मात्रा में सेवन करें तो वो भी बिल्कुल आपको पॉइजन एक विष के रूप में काम करता है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हानिकारक होती है। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर सुरेश जी, देखा जाए चलते चलते आपका फाइनल कमेंट, जिस तरीके से लगातार वायरल इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, व्यक्तिगत तौर पर आम जनता को या जो मरीज हैं उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और स्वास्थ्य प्रबंधन की जो लापरवाही लगातार सामने आती है, डॉक्टर्स की भी लापरवाही सामने आती है इलाज को लेकर, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार जानलेवा बुखार जो सामने आ रहा है, इससे लोगों के जहन में डर है, और लगातार कोरोना ने भी दस्तक दे दी है, क्योंकि कई मरीजों में कोरोना की भी पुष्टि हुई है, तो इससे स्वास्थ्य प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। जिस तरीके से रायबरेली और लखनऊ की तस्वीर सामने आई है, इसको देखते हुए यही लगता है कि स्वास्थ्य प्रबंधन अभी भी लापरवाह बना हुआ है। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।